Hello guys, welcome to Smart Learning Academy. My name is Viren Singh and in this video tutorial I am going to discuss about the solution of Part C problems asked in the CSIR-UGC-NET JRF examination December 2018. इससे पहले मैं Part A के solutions के बारे में discuss कर चुका हूँ और Part C के solutions के बारे में हम discuss कर रहे हैं. इससे पहले भी Part C के दो videos और दो parts मैंने solve कर चुके हैं, तो बाकी आगे जो आने वाले questions हैं उनको हम discuss करने वाले हैं. You can join us on the Facebook. The link is given in the description and you can follow me on Unacademy. जहाँ पे मैं complete solution है Part C, Part B and Part A CSIR papers का. वहाँ पे जाइए और अपन solutions को देखिए ताकि आप अपने answers की या अपने जो भी question paper किया है आप उसके solution से match कर सकें. So let's see those questions. So next question है वो है 90th number of questions. ठीक है, तो इसमें क्या है question, एक बार देखिए कि following statements have been made about the recombination in a diploid organism. चार स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना इनमें से कौन सही कौन गलत है. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है रिकॉम्बिनेशन कुड बी आइडेंटिफाइड बाय जीनोटाइपिंग पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स फॉर अ पेयर ऑफ लोकाई. यस, यू कैन आइडेंटिफाई, अगर आप पेरेंट्स में जो जीन्स हैं वो ऑफस्प्रिंग्स में नहीं हैं या पेरेंट्स में जो जीन्स नहीं थे वो ऑफस्प्रिंग्स में हैं वो जीन, तो वो क्या है, वो आपको बता सकता है कि हाँ यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ये नए जीन्स ये रिकॉम्बिनेंट जीन आपको मिले हैं. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट इज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डजेंट एक्सीड 0.5. यस, क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन, अगर आपने पढ़ा होगा तो जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है 50% से ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता. दैट मीन्स कि जो 50 सेंटीमॉर्गन है वो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है दो लोकाई के बीच में. ठीक है, तो बी स्टेटमेंट भी सही है, ए स्टेटमेंट एंड बी स्टेटमेंट भी सही है. द थर्ड स्टेटमेंट इज रिकॉम्बिनेशन इज अ रेसिप्रोकल प्रोसेस और नॉन रेसिप्रोकल एक्सचेंज में कॉज जीन कन्वर्जन. ठीक है, एंड डी ऑप्शन है ओकेजनली नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन हैपेंस एंड दिस फंक्शन एज अ क्रोमोजोमल रीअरेंजमेंट. तो इन दोनों में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो उनके सॉल्यूशंस के बारे हम देखेंगे. यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है. ठीक है, और क्या करना है आपको कि जनरल जो रिकॉम्बिनेशन होते हैं जिनको हम होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, मतलब इन जनरल नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन नहीं होते हैं, जनरल सेंस में होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन ही पाए जाते हैं. ठीक है, जनरल रिकॉम्बिनेशन जो होते हैं वो दो तरीके के रिकॉम्बिनेशन की में डिवाइड होते हैं. एक होता है रेसिप्रोकल एंड द सेकेंड वन इज नॉन रेसिप्रोकल. ठीक है, रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो अरेंजमेंट होता है वो चेंज होता है, जबकि जीन कन्वर्जन की बात नहीं होती. ठीक है, बट नॉन रेसिप्रोकल जो एक्सचेंज होता है उसमें क्या होता है, उसमें जीन एक्सचेंज होता है. क्या होता है, नॉन रेसिप्रोकल एक्सचेंज जनरल रिकॉम्बिनेशन कैन ऑल्सो रिजल्ट इन अ वन वे ट्रांसफर. क्या होता है, वन वे ट्रांसफर होता है, रिजल्टिंग इन एन एलील ऑफ अ जीन वन क्रोमोजोम बींग चेंज टू द एलील ऑन द होमोलॉगस क्रोमोजोम. क्या होता है कि रेसिप्रोकल में दोनों के दोनों चेंज होते हैं, सेम अमाउंट में चेंज होते हैं, इसीलिए उनके एलील के नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता, बस उनके अरेंजमेंट में चेंज होता है. वो किस में होता है, रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेशन में. जबकि नॉन रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वन वे चेंज होता है, वन वे ट्रांसफर होता है. इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है, जीन कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, सो इसके बेसिस पे क्या है कि आप सी स्टेटमेंट जो देखिए, रिकॉम्बिनेशन इज अ रेसिप्रोकल प्रोसेस, जनरली इट इज़ अ रेसिप्रोकल प्रोसेस बट नॉन रेसिप्रोकल एक्सचेंज में कॉज द जीन कन्वर्जन. ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन डी गलत होगा. तो इस हिसाब से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए. ऑप्शंस जो करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए वो है फर्स्ट, ए बी एंड सी. क्लियर है, ठीक है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह 91 नंबर का क्वेश्चन है. क्या है, बैक्टीरिया एडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज टू इवेड होस्ट डिफरेंट मैकेनिज्म फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वेरियस डिफरेंट मैकेनिज्म्स and bacterial strategies against host defense given below. Select the given representing all correct pairing. ठीक है, तो प्रोटीन ए जो होता है, प्रोटीन ए इज प्रोड्यूस्ड बाई द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बाइंड्स द एफ सी पोर्सन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स. प्रोटीन ए बाइंड्स आई जी जी. ठीक है, किससे बाइंड करता है, वो आई जी जी से बाइंड करता है इन द रॉन्ग ओरिएंटेशन टू एक्सर्ट एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी एंड सोल्यूबल प्रोटीन ए एग्लूटिनेट्स एंड पार्शली इनएक्टिवेट्स आई जी जी. ठीक है, तो प्रोटीन ए किसको इनएक्टिवेट्स कर रहा है, आई जी जी को. तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका, प्रोटीन ए देखिए, रिलीज ऑफ सोल्यूबल प्रोटीन
लाइक प्रोटीन ए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से, वो किसको करेगा, आईजीजी को, यानी बी इज रिलेटेड टू द वाई, बी इज रिलेटेड टू द वाई, ठीक है। तो बी वाई से दो ऑप्शन में रिलेटेड है, सेकेंड एंड थर्ड में। अब हम आगे मूव करते हैं, एक नेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन है, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। आपको पता होगा, अगर आपने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ा होगा तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन में जो C3A एंड C5A होता है, ये न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स को अट्रैक्ट करते हैं। कीमोकाइंस जो होते हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स को अट्रैक्ट किया, मोनोसाइट्स कन्वर्ट होता है किसमें, मैक्रोफेजेस में, और ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स, वो क्या होते हैं, प्रोफेशनल फैगोसाइट्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। यानी कि C3, यहाँ पे जो C3 और 5 C3A एंड C5 पे जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन है, वो किससे रिलेटेड होगा, वो रिलेटेड होगा फैगोसाइटोसिस से, मतलब ए रिलेटेड टू द जेड, यानी ए इज रिलेटेड टू द जेड। थर्ड ऑप्शन देखिए, ए जेड से रिलेटेड है, बी वाई से रिलेटेड है, सी एक्स से रिलेटेड होगा, सी मस्ट बी रिलेटेड टू द एक्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड एग्लूटिनेशन सी एक्स से रिलेटेड है, एंड डी डब्ल्यू से, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने क्या किया है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स होती हैं उससे रिलेटेड डेटा दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स हैं उनके कौन कौन से फंक्शन होंगे। तो पहला जो प्रोटीन है वो कैनेक्सिन है, सेकेंड वन इज़ प्लाज्मोडेस्मेटा, थर्ड वन इज़ ICM एंड फोर्थ वन इज़ सेलेक्टिन, ठीक है। चार प्रोटीन्स हैं, उनके फंक्शंस के बारे में पूछे गए हैं। तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया है, आप NCBI से इन्फॉर्मेशन सोर्स यहाँ पे दिया है, अगर आप चाहे तो वहाँ पे देख सकते हैं। क्या कि एडजेसेंट जो प्लांट सेल्स होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं ईच अदर विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शंस होता है। तो फोर्थ, यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला, इट इज़ ओनली क्लास ऑफ इंटर सेलुलर जंक्शंस इन प्लांट्स दैट डायरेक्टली कनेक्ट्स टू द साइटोप्लाज्मिक एडजेसेंट सेल्स। तो फोर्थ किससे रिलेटेड होगा, प्लाज्मोडेस्मेटा से, बी इज रिलेटेड टू द फोर्थ, बी फोर्थ से रिलेटेड है, ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, पहले और तीसरे में। अब आगे देखते हैं कि वॉट इज गैप जंक्शंस आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कॉल्ड कैनेक्जींस। कैनेक्जींस जो होते हैं वो गैप जंक्शन से रिलेटेड होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पे गैप जंक्शन, थर्ड ऑप्शन देखिए, फोर पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन विच इज मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ गैप जंक्शंस इन फॉर्मिंग कॉन्टिन्यूस एक्वस चैनल। ये किसका है, कैनेक्सिन का, यानी ए मस्ट बी रिलेटेड टू द थर्ड, ए थर्ड से रिलेटेड है, बी फोर्थ से रिलेटेड है, सी फर्स्ट से एंड डी सेकंड से। बाकी कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं, आपको एक दो इन्फॉर्मेशन से ही टेबल्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर का क्वेश्चन। यूजिंग इंटरप्टेड मेटिंग 4 HFR स्ट्रेंस वर एनालाइज्ड फॉर अ सीक्वेंस इन विच दे ट्रांसमिटेड अ नंबर ऑफ डिफरेंट जीन्स टू अ F- स्ट्रेन। ईच HFR स्ट्रेन वॉज फाउंड टू ट्रांसमिट इट जीन्स इन अ यूनिक ऑर्डर एज समराइज्ड इन द टेबल, ओनली द फर्स्ट 5 जीन्स वर स्कोर्ड, ठीक है। 5 जीन्स स्कोर्ड किए गए, 5 तरीके के, जिस 4 HFR स्ट्रेंस हैं, 5 जीन्स को स्क्रीन किया गया, यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है फर्स्ट टू लास्ट, पहले कौन आए हैं। आप इन ऑर्डर्स को HFR के क्वेश्चंस भी मैं बताया हूँ, बहुत इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, आप ऑर्डर मैच करिए। देखिए पहला ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शंस के थ्रू जाइए, पहला जो है उसमें क्या दिया हुआ है कि ABDFH, यहाँ मैच कराइए, ABDHFR आ रहा है ना कि FH आ रहा है। यहाँ पे देखिए HFR है, तो पहला ऑप्शन जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा मैच कराएंगे तो इसमें क्या है, ABDFH सही है। अब हम दूसरे HFR स्ट्रेन के लिए देखते हैं, BALMK दूसरा भी देखिए जी, BALMK ये भी सही है, एंड तीसरा है MKJH, MKJGH तीसरा देख लीजिए, MKJGH ये भी सही है, चौथा देख लीजिए FHGJK चौथा भी सही होगा, FHGJK
लेकिन यहाँ पे सारे ऑर्डर्स तो मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो साइट्स है उन्होंने वो भी बताया है कि कहाँ से क्या दिख रहा है। यहाँ पे जैसे जो साइट दिया हुआ है 1, 2, 3, ठीक है, ये साइट्स दिए हुए हैं 1, 2, 3, ये मैच नहीं कर रहे हैं। जब आप 1 को देखें तो 1 को यहाँ से आप करोगे तो FDB कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये ऑर्डर जो 1 का है वो वैसा ऑर्डर नहीं आ रहा है। जबकि इस सेंस में देखिए थर्ड वाले ऑप्शन में, थर्ड में 1 कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये 1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1 को देखिए, 1 से आप मैच कराइए ABDFH, सेकेंड का देखिए, सेकेंड भी मैच कराइए BALMJKJ, ठीक है, सब कुछ मिल रहा है आपको थर्ड ऑप्शन में। अब जब थर्ड ऑप्शन मैच कराएंगे तो आपको सब ऑर्डर मिल जाएगा विथ जो यहाँ पे HFR स्ट्रेंथ के कटिंग साइड से वो भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा इसका होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और प्लीज़ फॉलो करिए मुझे अनअकैडमी पे, क्योंकि जो कंप्लीट सोल्यूशन है पार्ट सी का मैं अनअकैडमी पे अपलोड किया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं कंप्लीट सोल्यूशन Part-A, Part-B and Part-C का। एंड यू कैन ज्वाइन अस ऑन द फेसबुक ग्रुप, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप फेसबुक ग्रुप पे भी पोस्ट कर सकते हैं। द नेम इज़ स्मार्ट लर्निंग अकेडमी एंड द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच।